वह सुबह प्लूटो पपीज के बिस्तर के कपड़े उठाकर घूम रहा होता है और फिर जुपिटर साहब भी आ जाते हैं। हो गई गुड मॉर्निंग बेटा। फिर जुपिटर नीचे को देखने लगता है। अरे भैया गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, फिर मम्मी मम्मी करेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर मैं प्लूटो को उसकी बोल देता हूँ जिससे वो कपड़ों का पीछा छोड़ दे और जुपिटर के बिस्तर को दे दे, लेकिन ये बोल मुंह में पकड़ लेता है और कपड़ों को भी नहीं देता है। फिर जुपिटर गुस्से में अपने बिस्तर के कपड़े छीनने जाता है प्लूटो से। जुपिटर जाकर प्लूटो के ऊपर चढ़ जाता है और बॉल छीनने की कोशिश करता है और फिर जुपिटर बॉल छीन ही लेता है प्लूटो से। फिर प्लूटो अपनी बॉल वापस लेने जाता है। अरे भाई देखो, इसने तो इसके मुंह से ही छीन ली बॉल, हद है भाई। फिर थोड़ी देर में हमें ये मंकी दिखता है। इसको देखकर ऐसे लगता है बेचारे को एक ही हाथ है। जैसे ही मैं इसको खाना डालता हूँ तो ये अपना दूसरा हाथ भी बाहर निकाल लेता है। ये तो प्रैंक कर रहा था हमारे साथ। फिर बच्चों की मेरे से शर्त हो जाती है कि भैया एक हाथ पर बैट कितनी देर ऐसे खड़ा कर सकते हो। मैं फिर 5 मिनट तक बैट को ऐसे ही खड़ा करके रखता हूँ और मैं जीत जाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है, उल्टा बच्चों को पार्टी देनी पड़ जाती है। फिर शाम को घर पर बने होते हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे। फिर खुद पेट पूजा करके सभी को पेट पूजा करा के आता हूँ। इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग यही।